गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज दीपाली गुप्ता। आज हम कर रहे हैं क्लास 7, सब्जेक्ट हमारा मैथ और चैप्टर हमारा 3। चैप्टर 3 की एक्सरसाइज है ये, कौन सी? 3.3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्या है, हमारा ग्राफ से रिलेटेड है। तो हमने क्या करा, अपनी बुक को ही यहाँ लिया है। सभी बच्चों को दिख रही होगी, क्योंकि अगर मैं बनाती तो आपको फिर समझ में अच्छे से नहीं आता। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, क्या बोल रहा है, यूज द बार ग्राफ। ये वाला एक बार ग्राफ आपको अपनी बुक में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यूज द बार ग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें इसमें ना ही बार ग्राफ बनाना है, ठीक है, हमें ऑलरेडी दे रखा है, हमें सिर्फ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। तो देखिए ये एक बार ग्राफ है। सबसे पहले हम बार ग्राफ को पढ़ते कैसे हैं, ये नंबर्स है, ये 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, यानी जो डॉग हैं उस सोसाइटी में कितने हैं आपके, 8। सब बच्चों को दिखाई दे रहे होंगे, मैंने और हाईलाइट कर दिया है। जो कैट है वो कितने हैं, 10। जो रैबिट्स हैं वो कितने हैं, 2। जो आपके हैमस्टर्स हैं कितने हैं आपके, देखिए 4 और 6 के बीच में है, यानी ये कितने हैं आपके, 5। कितने हैं ये, 5। और अदर्स जो पैट है वो कितने हैं आपके, 3। कितने, 3। क्लियर है? तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है विच इज द मोस्ट पॉपुलर पैट। सबसे ज्यादा पैट कौन सा है आपका, कैट, ठीक है। द मोस्ट पॉपुलर पैट इज कैट, लिख सकते हैं, हो गया। क्या लिखेंगे, द मोस्ट पॉपुलर पैट इज, क्लियर। सेकंड है, हाउ मैनी स्टूडेंट हैव डॉग एज अ पैट। कितने बच्चों के पास जो डॉग है वो एज अ पेट है, यानी 8। कितने बच्चों के पास, 8 बच्चों के पास, द स्टूडेंट हैव डॉग एज अ पेट, 8 पेट, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 8। सभी बच्चों को समझ में आ गई। चलिए हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट को करने से पहले सभी बच्चे ये ग्राफ देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में रीड द बार ग्राफ, ये वाला बार ग्राफ हमें क्या करना है, रीड करना है। क्या करना है, रीड करना है, ठीक है। रीड द बार ग्राफ विच शो द नंबर ऑफ बुक sold by a bookstore during 5 consecutive years and answer the following questions, ठीक है। नंबर वन है, हमें बार ग्राफ को पढ़ना है और बताना है कि बुक स्टोर पर ये जो 5 ईयर है सेलिंग दे रखी है। जैसे ये आपकी कितनी है, देखिए 1979 में कितनी है आपकी, 50 और 100 और 200 के बीच में, तो ये आपकी कितनी होगी, 175 के आसपास होगी लगभग, क्योंकि बार ग्राफ को हम सही से पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो यही होगी। सेकंड है हमारी, ये आपकी 4 से 50 के बीच में है, ये कितनी है आपकी, देखिए ये आपकी 475 होगी, ये आपकी 300 है, ये वाली आपकी
220 के आसपास की है। एग्जैक्ट वैल्यू देखते हैं बुक में दे रखी है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं हम। देखिए बुक में भी ग्राफ में जो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रखी, और ये हमारी 6 के आसपास की है ना, 500 समथिंग 75 वाली जो। ये अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो हमें एग्जैक्ट पता चलेगी, अभी नहीं पता चली, हमने अप्रोक्स लिखी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है अबाउट हाउ मैनी बुक्स वेयर सोल्ड इन 1989 में, 1990 में और 1992 में। देखिए 98 वाला ये वाला है, 90 वाला ये वाला, और 92 में ये वाला। तो जल्दी बताइए कौन कौन सी, कितनी कितनी बुक हमारी क्या हुई है, सेल हुई है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं हम। जो हमारे सबसे पहले कौन सा ईयर दिया है, 89, कौन सा ईयर दिया है हमको, 89। तो देखिए 89 में कितने हैं, हाउ मैनी बुक सोल्ड, सोल्ड कितनी थी, देखिए 175 के आसपास थी। सोल्ड बुक इन 90, ये 90 में कितनी थी हमारी, फिर है आपका यहाँ पे से 25 कीजिए। ठीक है, सोल बुक इन किसमें, 1992 में, कितनी है 225। क्लियर, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड है इन विच ईयर वेयर अबाउट 475 बुक सोल्ड अबाउट 225 बुक सोल्ड, 475 बुक्स आर सोल्ड इन कौन सी ईयर में, 475 बुक सोल्ड हुई है 90 में, 99 ईयर। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्या पूछा है, 225 बुक्स आर सोल्ड इन 1992 ईयर। ठीक है, सेकंड पार्ट हो गया। अब थर्ड देखिए क्या पूछा है, इन विच ईयर वेयर फीवर देन 250 बुक्स सोल्ड, 250 बुक हमारी कौन सी ईयर में सोल्ड हुई है, 1992 हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक सोल्ड इन 9। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं, कर लोगे, आपको ग्राफ में से देख के लिखना है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो रिप्रेजेंट द डेटा ऑन अ बार ग्राफ। ठीक है, हमें क्या करना है, आपको क्या दिया है, ये 6 बच्चे का डेटा दिया हुआ है। ठीक है, और आपको एक क्या बनाना है, बार ग्राफ
बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, इससे पहले वाले में मैंने आपको बनाना सिखाया था। देखिए यहाँ पे मैं छोटा सा बना देती हूँ। यहाँ पे आप क्या क्या लोगे, क्लास, यहाँ पे क्या लोगे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक। देखिए जब हम बार ग्राफ बनाते हैं, जब हमारी क्लासेस ओपन होंगी तो आपको बताया जाएगा, एक बार की कॉपी आती है, ठीक है, और उसमें आपके कुछ इस तरीके से बॉक्सेस बने होते हैं, ठीक है। ये बड़े बना दिए मैंने, थोड़े छोटे होते हैं, इस तरीके से बॉक्सेस होते हैं, और उसमें मानते हैं एक छोटा खाना बराबर इतना पैमाना, या एक पैमाना बराबर एक छोटा खाना या बड़ा खाना। इस तरीके से हमें क्या करनी होती है, एक मेजरमेंट लिखनी होती है। जब आपकी क्लासेस ऑनलाइन से ऑफलाइन आएंगी तो मैं आपको एक बार वाला जरूर सिखाऊंगी, लेकिन यहाँ पे समझिएगा भी हमें करना है। तो जब हमें बार बनाना है तो इसको ले लेते हैं, जैसे एक छोटा खाना बराबर आप ले लीजिए कितना, 10 ले लेना, तो जो बड़ा खाना होगा वो कितना हो जाएगा आपका, 100 के आसपास हो जाएगा, ठीक है। या फिर ये आप 5 ले लेना, तो दो छोटे खाने मिलकर 10 हो जाएंगे, फिर ये आपका 20, और ऐसे ही ये बनता चला जाएगा। तो हम ये 10 मान सकते हैं, ठीक है, ठीके? आपको समझ में आ गया होगा, या 5 होगा, 20, 25, 30, 35, 40। इस तरीके से जब आप बनाओगे, और यहाँ पे क्लास है तो सबसे पहले क्लास आपकी 5th आ गई, 6th, 7th, 8th, 9th और 10th, क्लियर। तो जहां पे भी जैसे 5th क्लास है तो आप बना सकते हो इस तरीके से, तो वो क्या हो जाएगा, आपका बार ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। अब हमें करना क्या है इसमें, हाउ वुड यू चूज अ स्केल, तो जो आप स्केल चूज करोगे वो लिखना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच क्लास हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड मिनिमम नंबर। तो वो ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन तो आप जब भी बता पाओगे, देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आप जब भी बता पाओगे जब आप बनाओगे इसे, लेकिन सेकंड वाला वो जो बी का फर्स्ट और सेकंड है ये आप बता सकते हो, विच क्लास है मैक्सिमम नंबर, किस क्लास के पास मैक्सिमम नंबर है, 5th क्लास के पास, और मिनिमम नंबर किस कौन सी क्लास के पास है, आपके 10th क्लास के पास। सेकंड पूछा है फाइव द रेशियो ऑफ स्टूडेंट क्लास 6 टू स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, 6 ये है और 8th आपका ये है। जब रेशियो पूछते हैं तो देखिए रेशियो कैसे निकालते हैं, रेशो निकालने के लिए देखिए 6th क्लास के कितने, 6th क्लास में कितने स्टूडेंट है, देखिए 6th क्लास कितने, 120, और ये रेशो का साइन होता है हमारा, और हमारे 8th क्लास में कितने, 8th में 100। अब इसे डिवाइड कीजिए, 0 से 0 हो गई, अभी हमारे 2 से डिवाइड हो जाएंगे, 2 6 12, रेशो 5, 2 5 10, ये हमारा क्या जाएगा, बी पार्ट का आंसर, क्लियर। आगे चले क्वेश्चन नंबर 4, द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म इज गिवन ड्रॉ आ डबल बार। देखिए फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म कैसे बनाओगे, जैसे आपने यहाँ पे इंग्लिश लिया, इंग्लिश लोगे सब्जेक्ट, यहाँ पे हिंदी, मैथ, साइंस, तो फर्स्ट बार और सेकंड बार इसी के बराबर में, इस तरीके से आपको एक बार ग्राफ बनाना है, वो आपको ही बनाना है, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बना के नहीं दिखा सकती। नेक्स्ट है हमारा, इन विच सब्जेक्ट हैज चाइल्ड इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। देखिए
से सब्जेक्ट में जो बच्चे हैं उन्होंने अपना परफॉर्मेंस बेस्ट किया है, तो वो वाले क्वेश्चन का आंसर हम क्या कर सकते हैं, इस वाली टेबल में से ही देख के लिख दे सकते हैं, तो वो हम कर लेते हैं। जो आपको ग्राफ बनाना है वो आप बना लेना। जैसे कि कौन कौन से सब्जेक्ट में, देखिए फर्स्ट टर्म में इंग्लिश में इतने थे, सेकंड में इतने हैं, इंग्लिश उसकी बेटर हुई है, मैथ भी बेटर हुआ है और साइंस भी एंड सोशल साइंस भी, ठीक है। सिर्फ हिंदी में ही पहले ज्यादा थे और अब कम है, तो हम लिख सकते हैं क्या इंग्लिश मैथ शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं क्योंकि स्पेस इतना नहीं है, साइंस और एसएसटी, क्लियर। इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट द लिस्ट, जो कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें जो इम्प्रूवमेंट हुआ है वो क्या है, लिस्ट पर है, तो बताइए कौन सा है हमारा। साइंस देखिए, सोशल साइंस कितने नंबर बढ़े हैं, दो, ठीक है। इसमें भी तीन का इम्प्रूवमेंट है, इसमें भी ज्यादा है, इसमें आपका फोर का है, इसमें केवल ओनली टू का, तो क्या लिख सकते हैं, एसएसटी। हैज द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, हमें बताना है कि जो उसका परफॉर्मेंस है किसमें डाउन गया है, तो किसमें डाउन गया है, हिंदी, क्लियर। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर डेटा कलेक्टेड फ्रॉम अ सर्वे ऑफ अ कॉलोनी। देखिए कॉलोनी है, उसका कुछ डेटा दिया गया है, वो भी आपको इसी तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो क्या ये मैं आपको सारा होमवर्क में दे दूं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। 5th to 6th कुछ नहीं है, आपको सिर्फ इसको पढ़ना है और क्वेश्चंस के आंसर देना है, और सबसे पहले हमें ग्राफ बनाना है, वो ग्राफ ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ। देखिए इसमें भी आपका डबल बार ग्राफ बनाया जाएगा, और फिर है हमारा विच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर, कौन सा स्पोर्ट हमारा पॉपुलर है। देखिए ये वॉचिंग है और ये पार्टिसिपेटिंग है, तो सबसे ज्यादा कौन सा पॉपुलर है हमारा, क्रिकेट, ठीक है। विच इज मोर परफॉर्मेंस वॉचिंग ऑफ पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट, ये भी हमारा क्या आ जाएगा, बताइए जल्दी इसका क्या आ जाएगा, वॉचिंग स्पोर्ट्स कौन सा है हमारा सेकंड का, देखिए इसमें बताना है विच इज मोर प्रेफर वॉचिंग या फिर पार्टिसिपेट, तो किसमें, वॉचिंग के लिए, ठीक है। किसके लिए हम ज्यादा प्रेफर करेंगे, वॉचिंग के लिए, क्योंकि कम देखने वाले संख्या कम है, और जो देखने वाले की संख्या ज्यादा है और पार्टिसिपेट करने वालों की संख्या कम है, तो कौन सा मोर प्रेफर हुआ, वॉचिंग वाला, क्लियर। और ये सिक्स वाला है, सिक्स वाला आप देख लेना, ये आपको मैं होमवर्क देती हूँ, इसमें सारा आपको टेबल जो दे रखी है उसमें देख लेना, टेबल कौन सी है 3.1, वो आपकी नेक्स्ट पेज पे है, उसमें भी हमें क्या करना है, सिर्फ आंसर देने हैं, क्लियर है। छोटी सी एक्सरसाइज थी, इजी थी, ये वाली जो आपकी एक्सरसाइज थी ये किस पे होनी थी, वो जो हमारी बार वाली कॉपी आती है उस पर ये वाली एक्सरसाइज की जाती है। जब आपके ऑफलाइन स्टार्ट होंगे तो वो बार कॉपी पे अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको समझा दूंगी, अदरवाइज ये आप जो एक्सरसाइज है आप इसको ऑप्शनली ले लेना, ठीक है। ऑप्शनली यानी मतलब, क्योंकि कुछ एक्सरसाइज हम इसकी कॉपी में कर सकते हैं, कुछ बार की हेल्प से करेंगे, तो या तो बार आप अच्छे से बनाना, मुझे गलती दिखाई देंगी तो फिर मैं काटूंगी, तो आप अच्छे से इसका काम कर लेना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।